name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. How are you, Sharan? I hope you are fine and I'm also fine. Yes, आप मुझे ये बताइए, 14 अगस्त की सबने तैयारी शुरू कर दी है? I hope सबकी तैयारी कंप्लीट होने वाली होगी. होने वाली है कंप्लीट? ठीक है, आज तो 10 अगस्त है और उसके बाद कितने डेज रह गए हैं? 4 डेज. कितने डेज रह गए हैं? 4 डेज सेलिब्रेशन करने में. 14 अगस्त आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करनी है, लेकिन ऐसा भी इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. घर में सेलिब्रेट कीजिएगा और केक ज़रूर कट कीजिएगा, सबको पता है ना, क्योंकि पाकिस्तान की बर्थडे है उस दिन. 14 अगस्त को पाकिस्तान की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है अपने घर में, ठीक है? जैसे आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, ऐसी पाकिस्तान की बर्थडे भी सेलिब्रेट करनी है आप लोगों ने. और सबने फ्लैग घर में लगा लिए, गुड. अच्छा, ये मैं आपको एक बता दूं, आप जो झंडी आती है ना, जो कागज वाली जो होती है, वो आप लगा तो लेते हैं घर में, लेकिन आप उसको जब उतारते हैं तो आप उसके पैर रख देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं. नहीं बेटा, उसको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं फेंकना है. आपने एक शॉपर लेना है, शॉपर में इसको अच्छे तरीके से जमा करके रख लेना है, ठीक है? उसे आपने डस्टबिन में भी थ्रो नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमारे पाकिस्तान का फ्लैग है, ठीक है? चले, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. और सबको पता है, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें प्रॉमिस करना होता है, तो अपने हैंड्स को ग्रेट कीजिए और मैम के साथ साथ प्रॉमिस चार्ज कीजिए. आई प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट माय टीचर एंड माय एल्डर्स. आई प्रॉमिस टू वर्क हार्ड एंड हेल्प द पुअर. आई प्रे फॉर अल्लाह टू कीप माय प्रॉमिसेस. आमीन. प्रॉमिस फिनिश हो चुका है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं. और आज का हमारा मजमून है उर्दू जुगनू बुक. ये है आपकी उर्दू की किताब, हमें इसमें काम करना है. उसके बाद हम, ये आपकी उर्दू की कॉपी है, उर्दू की कॉपी में काम करेंगे. लास्ट में हम डायरी राइट करेंगे. ओके सर, सो टेक आउट योर उर्दू जुगनू किताब, ठीक है? ओके श्रन, ये देखिए, ये आपकी उर्दू की किताब है और सफ़ा नंबर 20. आई होप आप सबने सफ़ा नंबर 20 ओपन कर लिया है. यहाँ देखिए, यहाँ दो छोटी तस्वीरें हैं. पहली तस्वीर, पेंसिल फेरिए, लिखिए, पेंसिल फेरिए और लिखिए. आज तारीख है 10 अगस्त 2021. मतलब यहाँ पे हमें दो काम करने हैं. पहला काम पेंसिल फेरिए और दूसरा लिखिए. चांद चांद चांद, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, चूहा चूहा चूहा. इन सब तस्वीरों की शुरू की आवाज है च च च च. चचान चचान, चा चिड़िया चा चिड़िया, चा चूहा चा चूहा चा चूहा, ठीक है? अब हमें पहले पेंसिल फेरना है. नुक्ते पे पेंसिल रखिए, तीर के निशान पे हाथ फेरिए आराम आराम से और मेम के साथ साथ पढ़िए. चा 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 के नीचे तीन नुक्ते, एक दो तीन चा. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें पेंसिल फेरनी है. नुक्ते पे पेंसिल रखिए अपनी और तीर के निशान से हाथ फेरिए. चा चा, यहाँ पे भी इसी तरीके से नीचे चा चा, ठीक है? अब हमें यहाँ पे खुद लिखना है. दूसरा काम हमें क्या करना है, लिखिए. ये देखिए, यहाँ पे नुक्ते पे पेंसिल रखिए, पहले हम नीचे देखेंगे, फिर यूं सामने देखिए, फिर यहाँ से लाइन पे लेकर आके थोड़ा सा हमें ऊपर जाना है. चा चा के नीचे तीन नुक्ते, यहाँ पे भी इसी तरीके से पहले नीचे देखें, सामने देखिए, फिर यहाँ से हम लाइन पे आ रहे हैं और फिर थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे. चा चा के नीचे तीन नुक्ते, ठीक है? ये आपको सफा नंबर 20 समझ में आ गया है. अब सफा नंबर 21 देखिए.